राफेल डील पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार चोर है का जो बयान दिया था कल उस पर सुनवाई होनी है। और वैसे राहुल गांधी अपने बयान पर कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राफेल डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर रही है और कांग्रेस ने सरकार पर डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का बयान दिया। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना फैसला सुनाने वाले हैं। राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। 10 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन पर नए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। इसी के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। चौकीदार चोर है, चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है, 30,000 करोड़ इसको दिया गया, उसको दिया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोर्ट हैज नॉट मेड एनी सच, इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर एंड हैज नॉट बीन इवन स्पोकन बाय द कोर्ट। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण भी मांगा था, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा था कि चुनावी सरगर्मी और जोश में उन्होंने ये बयान दिया था और भविष्य में कोर्ट के हवाले से ऐसी कोई भी बात नहीं कहने की बात भी उन्होंने कही थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। मैं आपको बताता हूं, तो बता देता हूं क्यों किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। राहुल गांधी के माफी मांगने पर भी बीजेपी की नाराजगी खत्म नहीं हुई। मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट का हवाला देकर चौकीदार चोर है बयान के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी नहीं दिए जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा था कि माफी काफी नहीं है, राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी इस मामले में 2 बार खेद व्यक्त कर चुके हैं और 3री बार लिखित में एफिडेविट देकर माफी भी मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने माफीनामे में कहा है कि कोर्ट का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ काम किया और न ही अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में वो किसी तरह की बाधा पहुंचाना चाहते हैं। भूलवश उनसे ये गलती हो गई है, लिहाजा इसके लिए वो माफी चाहते हैं। साथ ही राहुल ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस माफीनामे को स्वीकार कर केस को बंद करे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बीजेपी राहुल गांधी को माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है और उनको सजा दिलाना चाहती है। अब इस मामले पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।